आज श्री जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में यह रोड शो निकाला था। रोड शो में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता थी, गैया उड़ाई गई, यहाँ पर जगह जगह टेंट लगाए गए, जगह जगह अवरोधक लगाए गए, पुलिस ने अवरोधक लगाया और ये जो टेंट वहाँ पर रास्ते में लगाए गए उसकी किसी हाल में परमिशन दी नहीं जा सकती और बिना परमिशन के वो टेंट वगैरह लगाए गए और यहाँ तक के सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के बाद भी रोड शो फ्लॉप शो। हाँ जी, हमने 250 कंप्लेंट सी विजिल के अंदर दी, इसका कोई एक्शन नहीं हुआ और सी विजिल की कंप्लेंट हम पहले भी करते रहते हैं, हमारे खिलाफ़ भारतीय जनता पार्टी भी करती रहती है, पर आज जो अधिकारी थे उनके मुंह बंद थे, उनको एक्शन लेना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति हो और कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा था, श्री जेपी नड्डा इज सिंपली मेंबर पार्लियामेंट और इस तरह का उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना और वो कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन करना, कानून का वायलेशन करना वो गलत। अच्छा, आज रोहतक में राष्ट्रीय सचिव भाजपा ने घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस के, कह रहे हैं जो ये दावे वादे, वो अपना घोषणा पत्र पढ़े, उन्होंने कौन से वादे किए हैं, मोदी जी ने कौन सी गारंटी पूरी की है, आप खुद ही बता दो, आप रोहतक के नागरिक हो, रोहतक का क्या हाल है, आपको पानी पीने का नहीं मिलता, संवैधानिक राइट है, जो करता है पूरा करता है, लोग बहुत तगड़ा जवाब दे। और सीट रोहतक कांग्रेस का कोई भी यहां पर नहीं पहुंच रहा है, हमारी स्ट्रांग सीट है, इसीलिए हमें किसी ऊपर से बड़े स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही स्टार प्रचारक है। ऐसे है कि लोकल इशू में लोगों की बड़ी बुरी हालत है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, संवैधानिक हक है स्वच्छ पानी पीने के लिए, वो भी सरकार नहीं दे सकती, इतनी तपती गर्मी के अंदर हमारे सभी लोगों को तंग किया हुआ है, मोहल्लों में पानी जाता, गलियों में पानी जाता, बाजार में पानी जाता और पानी आता है दूषित पानी आता है। हाँ जी, हाँ भैया, अपने टाइम में हम सरप्लस बिजली छोड़ के गए थे, सब कुछ किया था, इन्होंने तो ना कोई नया प्लांट लगाया, इन्होंने बिजली खरीदी, जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ आज पावर क्राइसिस की बात आ गई, कि इनसे इन्होंने तो बल्कि झाड़ ली, जो पावर प्लांट था उसमें भी जो हिस्सा था वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, बिल्कुल कुछ नहीं है, खड्डों में सड़कें ढूंढनी पड़ती हैं, सीवरेज प्रणाली अस्त व्यस्त हो चुकी है, आईडी प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है, परिवार पहचान पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, सरकार ने उसको सिर्फ